गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिन में हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। डॉलर इंडेक्स इज एबल टू पॉज इटसेल्फ एट 108.50, मीन्स ये जो आपका 23 अगस्त का मदर कैंडल है उसके अंदर में ही बैक टू बैक दो 24th अगस्त एंड 25th अगस्त पॉज किया है। आज भी बिफोर द पावेल्स स्टेटमेंट ऑन जैक्सन होल सिंपोजियम, तो उसके पहले थोड़ा सा साइडवेज ही रहने का एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद ही मार्केट में ब्रेक आइदर साइड ऑन द लोअर और हायर, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कमेंट। तो हमें इन अगेन वंस अगेन we want to reiterate again below the low of 23rd August means some sort of lower downward movement towards 107 expected hai. Above the high of 23rd August immediate jo resistance hoga 109.70 se 110.00, so wahan pe ek immediate ek resistance ho sakta hai, wahan pe dekhna padega how the price is behaving. Dollar rupee abhi hai 79.86, yahan par bhi kafi consolidate kar raha hai from 19th August का जो कैंडल है उसके अंदर में। तो यहाँ पे हमें जस्ट थोड़ा सा और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन काफी कंसोलिडेट कर रहा है, RSI टर्म्स में रेजिस्टेंस एट 60, सो एंड अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देता है आने वाले दिनों में, देन थोड़ा सा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। जीबीपी डॉलर में कंसोलिडेशंस हो रहा है एट द बॉटम। कल जो हमने देखा है कि ये 24 अगस्त के रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। एज एक्सपेक्टेड मार्केट में मूव टुवर्ड्स 1.2000 विद अ स्टॉप लॉस बिलो आपका 1.1710, दैट मींस द रिसेंट स्विंग हाई। तो यहाँ पे ये एक एक्सपेक्टेशंस एज पर द कैंडल, बट RSI इज वेरी वीक इन टर्म्स, सो हमें थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा मींस कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लोज देगा आवरली बेसिस पे, तभी जाके हमारा एक अपवर्ड मूव हो सकता है, एल्स सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन। एंड आल्सो ये आपका जैक्सन होल सिंपोजियम का जो पावेल्स का कमेंट है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले सकता है। यहाँ पे जीबीपी डॉलर में देखने वाला बात ये है कि ये जो 24 अगस्त के हाई के ऊपर सस्टेन किया नहीं कल, हालांकि ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा 24 अगस्त के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट 1.2000। यूरो आइनर में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही है, कंसोलिडेशन है। कल 24 अगस्त के हाई के ऊपर गया तो था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। मन मार्केट अगेन इज वेटिंग फॉर पावेल्स कमेंट। यूरो आइनर में अगर हम देखेंगे, यूरो आइनर में भी आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। आपका ये लाइन दैट इज 79.8085 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया, थोड़ा सा अपटिक मारा था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, लेकिन नीचे आ चुका है। सो दैट मीन द केस अभी जो इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है दैट इज 79.05 से 79.10, एंड इसके लो के नीचे अच्छा खासा एक सेल ऑफ हो सकता है अगेन। एंड इसके ये जो आपका 79.8085 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 80.50। डॉलर येन में देखेंगे, डॉलर येन में भी कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड 23 अगस्त का जो मदर कैंडल के अंदर में बैक टू बैक दो कैंडल हुआ है 24th एंड 25th, आज का भी बिफोर द मीटिंग ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, उसके बाद ही एक आइदर साइड मूवमेंट हो सकता है। बिलो द लो ऑफ 23 अगस्त प्राइस एक्शन वी मे एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 134 के आसपास, एंड अबव द हाई ऑफ 23 अगस्त वी कैन फेस द इमीडिएट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 139 से 139.70 के तरफ। ये नाइन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये वो भी कंसोलिडेट कर रहा है, इसको ज्यादा आज ड्यूरिंग द डे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, बिफोर द मीटिंग उसके बाद ही, मीटिंग के बाद ही कुछ कमेंट के बाद ही कुछ एक आइदर साइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। अबव द हाई ऑफ 0.806065 वी कैन एक्सपेक्ट अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 0.594050। बिलो द लो ऑफ आपका 0.5805 वी कैन एक्सपेक्ट डाउन फर्दर डाउनवर्ड मूव। डॉलर कैंडी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे आफ्टर द फॉल्स ब्रेकआउट इट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट हियर। अभी हमें देखना है कि पोस्ट मीटिंग में ये ऊपर की तरफ जाता है या
नीचे की तरफ, दैट बीइंग द केस बिलो द लो ऑफ यस्टरडेज प्राइस, दैट इज आपका 1.2890, वी मे एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड प्रेशर अबव द रेजिस्टेंस लेवल, सम सॉर्ट ऑफ मींस चॉपीनेस में प्रिवेल इन द दिस पर्टिकुलर पेयर। अगर $80 में देखेंगे, $80 में कल एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंट आया था एंड सक्सेसफुली कन्विंसिंगली ये 24 अगस्त के हाई के ऊपर क्लोज दे चुका है, सो देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि इट में हिट टुवर्ड्स 0.7050 डॉलर। सीएनएच में अगर हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, कल एक दो तीन तीन चार दिन ये इसके हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें वही दो चीज देखना है कि ये हाई के ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ, लो के नीचे आ जाता है मींस क्लोज दे देता है, तो वी मे एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनेस इन दिस करेंसी पेयर। यूके ऑयल में देखेंगे ये कल अपर लेवल पे, दैट इज आपका 102.4043 पे रेजिस्टेंस मिला है, तो वही है ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन का सस्टेन कर नहीं पाया है इट सीम्स, तो सम सॉर्ट ऑफ चॉपिनेस में प्रिवेल। ये अगर कल के हाई के ऊपर कंटिन्यू कर देता था, कल के मींस 24 अगस्त के हाई के ऊपर अगर कंटिन्यू कर देता देन एंड ओनली देन वी वुड हैव एक्सपेक्टेड अपवर्ड मोमेंटम। अभी आपका ये 24 अगस्त के लो के नीचे थोड़ा सा फिर सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-year ट्रेजरी बहुत ही ऊपर है 3.05, बेसिकली आपका मींस काफी मार्केट में यूफोरिया हो रहा है फर्दर सीरीज ऑफ रेट है, बट कमेंट्स पावेल्स कमेंट इज मोस्ट अवेटेड। तो अभी एनी यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हायर लो बना रहा है, तो एनी डिप मे बी बॉट फॉर अगेन अपवर्ड बायस, सो हमें इसको केयरफुली मॉनिटर करना है। तो करेंसी ब्रीफ एनालिसिस में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।